समिति के अध्यक्ष आदरणीय महंत राम जी, आदरणीय रामपति राम जी उपाध्यक्ष, आदरणीय जयलाल सिंह जी कोषाध्यक्ष, आदरणीय चंद्रिका जी सचिव और आदरणीय करण साय जी ये मीडिया प्रभारी हैं। करमहा पारा किया आदरणीय अमरदास जी, नोहर साय जी, चैन साय जी और परसिली पारा के नेहर साय जी, जदा राम जी, हसली के सुखदेव पैकरा जी, झरी राम जी, विफल राम जी और भाई हमर विशेष सहयोगी के रूप में और मार्गदर्शक कहा जाए करमहा का एक विशेष सभी को साथ लेके चलने वाले हमारे भाई विकास गुप्ता जी और यहाँ उपस्थित सभी माता बहनें, सभी हमारे नौजवान साथी, सजन सियान, प्यारे बच्चों, क्योंकि वास्तव में एक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का एक विशेष पहल है और उनका एक सोच है कि हम अपने देश को स्वच्छ बनाए, सुंदर बनाए, सशक्त बनाए और ये उद्देश्य को लेकर के उनका सुझाव है कि सबसे पहले हम आदर्श बनाए, अपने गांव को बनाए, अपने परिवार को बनाए, ये सब उद्देश्य को लेकर के और आज पूरा देश लोहा मान रहा है, देश ही नहीं विदेश भी मोदी जी के जो कार्य व्यवहार है, उनका काम करने का तरीका है, ये सारी चीज से प्रभावित हैं। आज कल का उनका ऑस्ट्रेलिया का दौरा रहा, आप सब लोगों ने देखा होगा कि वहां भी उनका जय जयकारा हो रहा है। देखिए भला आदमी कहीं भी चला जाए, अच्छे इंसान कहीं भी जाए, उनका आव भगत होगा, उनका मान सम्मान कहीं नहीं होगा, लेकिन जो गलत आदमी अगर कहीं अपने पार पड़ोस में भी जाए उसका वहां भी पुछारी नहीं होता है, लेकिन अच्छे इंसान का कहीं भी जाएगा उसका मान सम्मान एक अलग जगह रहता है। तो ये सारी चीज को लेकर के और मोदी जी ने मुझे भी एक अवसर दिए हैं, 5 साल का अवसर है, उसमें प्रथम बार आदर्श सांसद आदर्श गांव बनाने का जो महती जवाबदारी दिए हैं उसमें मैं आप सबके बीच में और इस पंचायत को चुना हूं और मेरे ख्याल से पूरे छत्तीसगढ़ में पहला प्रथम सबसे पहले हम लोगों ने तय किया और इस पंचायत का नाम आया है। मित्रों वास्तव में आप लोगों का जो मैं देखता हूँ और आप सबों को देख करके मुझे भास लगता है कि आदर्श पंचायत का शुरुआत हो गया है, आदर्श परिवार का शुरुआत हो गया है। वैसे आप सबों का चेहरा बताता है कि हम लोग सही मार्ग पर चल रहे हैं और ये काम होना चाहिए। पहले आते थे हम लोग को अलग नजर आता था, लेकिन जब से हम लोग का ये इस कार्यक्रम के लिए तय हुआ और आप सबके बीच में बैठना हुआ, हम सब लोग का प्लानिंग हुआ, तब से मैं देख रहा हूँ कि सबके मन में और सबके चेहरा में खुशी का क्षण दिख रहा है, खुशी दिख रहा है और वास्तव में ये बहुत बड़ा चीज है। कोई भी काम हम शुरू करते हैं शुरुआत बहुत कठिन होता है और शुरू करते हैं तो कुछ दिन के चलने के बाद महसूस होता है, कुछ कठिनाई भी महसूस होगा, कुछ अच्छाई भी महसूस होगा, लेकिन जो हमारे जो बच्चे हैं ये न्यू लग गया है, न्यू हो गया है, न्यू पड़ गया है, आने वाले बच्चे जब आएंगे अवसर आदर्श गांव में प्रवेश जब
करेंगे और उस समय लगेगा कि हम लोग कुछ किए हैं। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी 1980 में गठन हुआ, आज कितना साल हो गया, 34 साल में दिखा कि हम देश का सेवा करने के लायक हैं, पूरे देश में बहुमत के साथ सेवा करने के लायक। तो अभी हम लोग तो अभी पहला कदम में आए हैं, अब ये शुरुआत हो गया है, सबके मन में ये सबके मन में बस गया है कि हमको आदर्श बनना है, आदर्श पंचायत बनाना है, आदर्श गांव बनाना है, आदर्श घर बनाना है। इसमें अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, और अभी हम लोग देखिए केवल साफ सफाई का काम किए हैं और बाकी और निर्माण का काम अभी नहीं शुरू हुआ है। और हम लोग को क्या करना है, पहले देखिए एक साथ सब चीज़ नहीं हो पाएगी, हम लोग को रोड कहाँ कहाँ नहीं पहुंच पाया है वहाँ पहुंचाना है, नाली का पहुंचाना है, किसी गेट का भी प्लानिंग है गेट पहुंचाना है, विद्युतीकरण का काम करना है, ये सारी चीज़ को लेकर के। और ये साफ सफाई आप लोग निरंतर एक महीने के अंतिम रविवार को जो करते हैं, आप लोग बहुत वास्तव में बधाई के पात्र हैं। ऐसा कोई आदर्श गांव आज तक मेरे को लगता है पूर्ण रूप से ये चयन भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन चयन किया है वो देखिए, चयन जो हुआ है बड़े बड़े जैसे हमारे और सांसद लोग कर रहे हैं, जैसे हमारे मुख्यमंत्री के बेटे सांसद हैं वो भी चयन किए हैं, और बड़े बड़े नेता लोग चयन किए हैं, वो उनका चयन और मेरा चयन, मैं धरती स्मारक कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो अगर चयन उनका होगा तो वहाँ विकास का काम होगा और सारी व्यवस्था उनके पास होगा, लेकिन मैं चयन किया हूँ ये अग्नि परीक्षा है, ये तलवार के धार में चलने जैसा है। यहाँ एक कई मोहल्ले में बटा है, भौगोलिक स्थिति भी इनका अलग रूप है, और इसका विकास अगर हम लोग करके दिखा दें तो वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के बीच जब हम लोग कुछ करके जाएंगे इसका स्वरूप दिखाएंगे, आप सब लोग को हमारे जितने पदाधिकारी हैं इनको मिलाऊंगा उनके पास ले जा कर के दिखाएंगे, तब वो वास्तव में यहाँ मानेंगे कि मैं अगर मेरा जो सुझाव गया है तो यहाँ गया है। और देखिए मैं स्वयं से नहीं, मैं आप लोग की बदौलत इस गांव को चुना है, आप लोग का जो इस मानसिकता को देखा, आप लोग का जो सोच को देखा, आप लोग का जो जो आने वाला और काम करने का जो व्यवस्था है, ये सबको मैं परखा, जांचा, परखा, और आज यहाँ को मैं आदर्श गांव सांसद आदर्श गांव कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये पूरे देश में इसका नाम चला गया, दिल्ली में इस गांव का नाम, और वहाँ से किसी प्रकार का छानबीन होगा, सरगुजा में अगर छानबीन होना है तो सबसे पहले करमहा पंचायत का नाम होगा। ये सारी स्वरूप आप लोग के बदौलत में इसको चुना हूँ, और आप मेरे विकास भाई बोल रहे थे मैं आप लोग का भगवान हूँ, नहीं, मैं आप लोग का सेवक हूँ, मेरे भगवान आप लोग हैं, और मैं यहाँ के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं केवल आप लोग का सहयोग कर सकता हूँ, करने वाले लोग आप लोग करेंगे यहाँ को। यहाँ देखिए मेरा नाम इस गांव से जुड़ गया है, मैं आपका परिवार का हो गया है, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका भतीजा हूँ, और जिस रूप से आप यहाँ हैं वो मैं मेरा भी यहाँ नाम जुड़ गया है, मैं भी यहाँ का परिवार में जुड़ गया हूँ, और इस नाम को बचाने के लिए आप लोग से आह्वान करता हूँ कि देखिए किसी काम को करना आसान चीज़ नहीं है। देखिए जब रामचंद्र भगवान को वनवास हुआ 14 वर्ष ने उनको कहाँ कहाँ भटके, क्या क्या किए, इसके बाद राजगद्दी उनको प्राप्त हुआ था, और अच्छाई चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है। वो विकास भाई बोल रहा था कि सरपंच के लिए सरपंच वास्तव में अगर 5 साल वो रूप से चल जाएगा, वो रूप से चलेगा, उसका अंतरात्मा में इतना शांति मिलेगा, कोई भी देखिए आवश्यकता पूरा नहीं होता है,
आवश्यकता न कभी पूरा हो गए। मानव जीवन को बनाने वाला ऊपर वाला जो बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है, किसी भी अंग को स्थायी नहीं रखा कि रखा है, किसी भी अंग को जितना भी बनाया है, हमारा पैर से लेकर के उंगली से लेकर के सिर कान सारी चीज को स्थायी नहीं रखा है, सबको सबको रखा है कि तुम निरंतर निरंतर बिजी रहो, निरंतर चलते रहो, स्थायी नहीं रखा है। मन को चंचल बना दिया, हाथ को शरीर को बनाने वाला ऐसा बना दिया। अगर आपके मन में ये हो कि मैं कहीं ना जाऊं, घर में बैठे रहूं और घर में कुछ काम नहीं करूं, तो भी आप वैसा ही रहेंगे, घर में बैठे रहेंगे, खाएंगे पीनेंगे, खाना पीना सब भगवान कहाँ से लाएगा, वो ऊपर जानेगा। आप जैसे करेंगे, आप कहेंगे कि मैं दारू नहीं पीऊंगा, अच्छा आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, मैं नशा नहीं करता हूँ, न दारू नहीं पीता हूँ, न गांजा नहीं पीता हूँ। पहले पीता रहा लेकिन अब नहीं पीता हूँ, लेकिन बहुत मामूली रूप से मैं पीता रहा हूँ। मेरे माता पिता लोग भी नहीं पीते खाते हैं, मैं तो कुछ मांस मछली खा लेता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता लोग कुछ नहीं खाते हैं। तो ये है, देखिए जो जैसा सोचेगा वैसा ऊपर वाला उसके लिए व्यवस्था करेगा। मैं अच्छे काम करूंगा तो अच्छे काम करेगा, मैं इससे ठग लूंगा तो ठग लेगा, लेकिन ठगेगा तो ठगाएगा भी, ये भी व्यवस्था है उसका। अगर मान लीजिए आप स्वयं को परीक्षण कीजिएगा, मैं परीक्षण करके देखा हूँ, किसी से अगर 100 रुपया ठग लिया आप, किसी से ठग लिए तो 200 रुपया आप घाटे में रहेंगे। मतलब ये व्यवस्था लेंस को ऑफ करके लेता स्वयं पे निरीक्षण कीजिएगा कि मैं बहुत ज्यादा चिंतित, बहुत ज्यादा परेशानी रहेगा, बहुत ज्यादा उसके पास पैसा रुपया का कमी हो जाएगा और फंस जाएगा और कहेगा कि मैं कैसे करूं, लेकिन ऊपर वाला उसको व्यवस्था देगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई भगवान रूप में उसके पास पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीजें देखिए, बनाने वाला ऐसा बना दिया है इस जीवन को। मैं देखिए, मैं पढ़ता रहा और पढ़ने के बाद मैं देखिए, मैं अकेले हूँ, ना मेरे भाई हैं ना बहन है, मैं अकेले हूँ। मैं जब पढ़ते रहा तब चुनाव लड़ना शुरू किया, हारते रहा तो फिर भगवान ऐसा एक समय आया कि जीत गया और ऐतिहासिक वोट से जीता। और इसी प्रकार मैं कई अपने आप में ही परीक्षण किया, लेकिन आज मैं इस जगह में पहुंचा हूं एक सांसद के रूप में, और पूरे सरगुजा के सभी भाई लोग, माता बहन लोग सब आशीर्वाद दिए और ये जगह में पहुंचा हूं, और करमाहा गांव को एक हम शुरुआत किए हैं, और एक प्रतीक के रूप में, ये प्रतीक के स्वरूप करमाहा गांव बन जाएगा, उसके साथ और सभी गांव बनेंगे। ये नहीं है कि केवल करमाहा गांव को बनाना है, हम लोग को पूरे सरगुजा को बनाना है, लेकिन एक साथ नहीं बना सकते। यहाँ को देखकर कि इसको अगर हम लोग बना लिए, इसमें सफलता हासिल कर लिए, तो बाकी गांव में कोई तकलीफ नहीं होगा, लेकिन इसमें अगर असफल हो गए तो बाकी गांव को भी हम नहीं बना पाएंगे। इसलिए देखिए, आप सब लोग को बहुत सोच समझ के और इसमें निर्णय लिए हैं। मैं पहले आप लोग से बोल भी चुका हूँ, निरंतर हम लोग का और बैठ के क्या क्या करना है, हम लोग पहले का काम करेंगे, अब काम करने का एक चुनाव भी एक अभी बाधा है, 2-3 महीना चुनाव के बाद ही संपूर्ण रूप से व्यवस्थित हो पाएगा। वैसे कलेक्टर वगैरह से भी बात करके कलेक्टर को भी लाऊंगा एक दिन, और हम लोग पहले प्लानिंग बना लेंगे क्या क्या करना है। लेकिन अभी नगरीय निकाय का चुनाव, उसके बाद पंचायत का चुनाव 24 तारीख से हम लोग का दिल्ली में सत्र भी प्रारंभ हो गया, 1 महीना उसमें भी डिस्टर्ब होगा इसलिए। लेकिन ये साफ सफाई और अभियान, ये सबसे पहले हम लोग संगठन में शक्ति होता है। देखिए 5 उंगली है, 5 उंगली में सबसे कहता है मैं बड़ा हूँ, ये कहेगा मैं बड़ा हूँ, ये कहेगा मैं बड़ा हूँ, लेकिन कहेंगे कि ये उठाओ, इसको इस गिलास को उठाओ, तो एक उंगली नहीं उठा सकता, 2 भी नहीं उठा सकता, 3 भी नहीं उठा सकता, 4 भी नहीं उठा सकता, जब तक 5 नहीं मिलेगा तो नहीं उठा सकता। उसी प्रकार हम सब लोग मिलकर के और इस गांव का विकास करेंगे, इस गांव को बनाएंगे, और
हमारे और यहाँ जो भी आएगा, देखिए चाहे कितनू गरीब हो, चाहे कच्चा का मकान हो, चाहे हमारे पास फटा पुराना कपड़ा हो, उसको अगर हम साफ करके पहनते हैं, उस फटे कपड़े को हम साफ करके पहनेंगे, बढ़िया तेल लगाएंगे, कंघी करेंगे, बढ़िया ठीक ठाक रहेंगे, वही सा अच्छा दिखेगा। लेकिन हम नए कपड़े को, नए कपड़ा अगर गंदा है, साफ नहीं है, वही नया कपड़ा गंदा दिखेगा। इसलिए हमारा घर, हम गरीब हैं, हमारा उतनी है छोटा सा घर, उस घर को हम लोग ठीक ठाक से लीप पोत करके, झाड़ू लगा करके, सामान व्यवस्थित रख करके, कोई भी अगर आएगा वो समझ जाएगा कि ये शिक्षित परिवार है, समझदार है, और अच्छा लगेगा, है कि नहीं। हम बहुत पक्का का मकान बना लिए, वो घर में कचरा वहाँ है तो वहाँ फेंकाया है, और सामने कचरा है तो कहेंगे, लोग कहेंगे कि बहुत बड़ा तो मकान है जी, लेकिन ये आदमी बहुत गंदा है। नहीं, तो ये सारी बात है भाई, ये छोटा छोटा चीज है, छोटा छोटा चीज और बहुत बड़ा काम करने वाला है, बहुत चीटी हाथी को मार देता है। नहीं, सियान लोग का कहना है कि हाथी हाथी से बढ़कर चीटी होता है और चीटी से डरता है। तो एक छोटा छोटा चीज ऐसा है, बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है, बहुत बड़ा काम कर लेता है। तो ये सारी चीज है, बाकी और हम लोग बैठेंगे और निरंतर आप लोग के बीच में मैं निरंतर आते रहूँगा, आप सब लोग का के साथ मिल करके। और अभी आने वाला चुनाव है, पहले भी मैं आप लोग को बोला था, इसमें देखिए एक तो निर्विरोध चुनाव है, सरपंच का, पंच का और सभी बाडी का, तो उसको शासन की तरफ से पहले 50,000 रुपया का एक पुरस्कार भी मिलता रहा, और 50,000 रुपया हम लोग दिलवाएंगे, हो सकता है प्रधानमंत्री जी अधिक भी दे दें और मुख्यमंत्री जी भी अधिक दे दें, लेकिन 50,000 का ये है कि जहाँ निर्विरोध होना है वहाँ 50,000 भी मिलेगा। और देखिए अगर आदर्श के रूप में आप लोग पहल किए, हम लोग पहल किए हैं, तो ये संदेश जाना चाहिए कि वहाँ के सभी चीज, मतलब हम भले गरीब हैं लेकिन मन का गरीब नहीं है, मन में मन का धनी है, हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन मन से कमजोर नहीं है। ये सारी चीज संदेश हम लोग को जाना चाहिए। और यही सब देखिए, मैं अब अपने आप को जब से घोषित हुआ है, देखिए किसी चीज को हम बोलते रहे कि हम कर देंगे, लेकिन जब चिन्हांकित हो जाता है, चिन्हांकित अगर हो गया कि मैं आज से यहाँ का समर्पित हूँ, तो भारी वजन है कि कैसे होगा। लेकिन आप लोग के चलते, आप लोग का जो रुझान है, आप लोग का मानसिकता है, इसको देख करके मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा इसमें दिक्कत होगा, हम लोग आसानी से काम कर लेंगे। मानव जीवन से लेकर के जो मानव से लेकर बड़ा कोई चीज नहीं है, एक से एक आविष्कार हैं, आविष्कारक हैं, कई एक चीज आज देखिए, आज यही मानो यही जीव हमारे, मतलब मानव जीवन आज एक भगवान स्वरूप है, मरा हुआ आदमी को भी जिंदा रख सकता है, जिंदा कर सकता है, ये इतना क्षमता रहता है। इसलिए हम लोग को ये काम नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं है, बाकी सब आप सब लोग के बीच में, और ये खुशी है कि हम सब लोग आए हैं, मिले हैं, और यहाँ निरंतर आते रहेंगे। और मैं एक सोच मेरा ये रहा कि हम लोग का बाद में थोड़ा सा और चले जाए, और एक आप तो कुछ प्लानिंग बना के काम होगा, और एक कार्यक्रम करके विधिवत घोषणा भी होगा और काम भी होगा, और निरंतर करते रहेंगे। बाकी यही सुझाव मेरा रहेगा कि ये जो चुनाव है इसमें हम लोग निर्विरोध बना के जाएं, और सभी चीज को पंचायत के साथ, और उसका भी ये रहे कि हम निर्विरोध हैं,
है कि नहीं, वही पंचायत का नहीं होगा लेकिन दूसरा चीज का होगा, वो भी निर्विरोध रहे। हाँ, सब निर्विरोध आपका डीडीसी एमडीसी पंचायत सरपंच भले दूसरा गांव में कुछ भी हो लेकिन यहाँ सब चीज हो, है कि नहीं। तो ये एक देखिए यहाँ इस गांव का भौगोलिक स्थिति सामाजिक स्थिति हर समाज से जुड़ा है और हर काम को हम करके दिखा देंगे अगर सही रूप से किए तो। वास्तव में आपको मैं बता रहा हूँ प्रधानमंत्री के बीच में हम लोग अभी जो कार्यक्रम हुआ था दिवाली मिलन का आधा घंटा तक हम लोग साथ में रहे और ये सारी चीज बहुत ऐसा नहीं लगता था कि बहुत बड़ा आदमी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा, हमारे एक साधारण आदमी है। उनका क्रियाकलाप क्रम को देखिए, एक आप स्वयं सोचिए कि बड़े बड़े अरबपति हैं खरबपति हैं वो झाड़ू को पैर में भी लगाना नहीं चाहते, अपमान समझ मतलब अपने आप को नीच छोटा आदमी समझते नहीं, लेकिन वो हमारे प्रधानमंत्री जी सबको झाड़ू पकड़वा दिए और झाड़ू लगवा दिए, वो झाड़ू लगाने में अपने आप को महान महसूस कर रहे हैं। नहीं एक चाय वाला बोले कि चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा तो सबको बोले सब चाय ओके और सब चाय वाला कहलाने में बड़ा अपनों को गर्व महसूस। नहीं अभी देखिए टीवी में भी देखे होंगे जब बनारस में कौन सा घाट जी अस्सी घाट में जब मिट्टी को उठा रहे थे कुदारी से, देखे कि नहीं आप लोग, नहीं देखे होंगे कुदारी में उठा रहे थे, कभी काम नहीं किया है कभी कुछ नहीं किया है, कुदारी से नहीं उठा सकता, उठा तो सकता है लेकिन ऐसा लगता है कि नारी है, लेकिन उन्होंने बेकायदे तगाड़ी को पैर में ऐसे टिका करके और बेकायदे जो हम लोग उठाते हैं वैसा उठाया कि नहीं, मतलब ऐसा लगा कि ये सब चीज में निपुण है। और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है म्यांमार ड्रम बजाया, जापान में ड्रम बजाया, ऐसा नहीं लगा कि अनाड़ी है, है? मतलब, हाँ ये देखिए मतलब हर काम में निपुण है वो, एक संघर्षी आदमी है, संघर्ष करके बहुत बड़ा आदमी तो परिवार का नहीं है, बहुत बड़ा परिवार का नहीं है, वो संघर्ष करते करते उन्होंने उठाया। हम लोग अभी आदर्श किए हैं आदर्श पंचायत का, ये इसी प्रकार वो शुरू किया, ये काम करके यहाँ काम करके मतलब वहाँ अंतिम छोर में पहुंचे, ये सारी चीजें देखिए छोटा छोटा कई प्रकार का है और हम लोग अच्छे रहें अच्छे आगे बढ़ते रहें, आने वाले समय में और इसका और अच्छा रिजल्ट आएगा और निरंतर विकास में जुड़े रहें, यही मेरा आप सबसे निवेदन आग्रह है। और भाई देखा मैं अब करमहा के साथ ये सरगुजा तो सरगुजे छत्तीसगढ़ भी है और पूरे देश में यहाँ का मान सम्मान जुड़ा हुआ है, मेरा मान सम्मान जुड़ा है, आप सब लोग का मान सम्मान जुड़ा है, इस गांव का मान सम्मान जुड़ा है। हम लोग सफलता हासिल करेंगे तो अच्छे नाम के रूप में शामिल होगा, अगर इसमें असफलता हासिल करेंगे तो असफल के रूप में नाम होगा, ये सारी चीज को ध्यान में रखकर के हम लोग को चलना है और निरंतर चलते रहेंगे। राह कठिन है लेकिन हमारा लक्ष्य आसान है, कठिन नहीं है, लक्ष्य लेकर के बढ़ते रहेंगे तो कोई रोकने वाला भी पैदा नहीं होगा और कोई रोक भी नहीं पाएगा, निरंतर बढ़ते रहेंगे लेकिन संगठन हम लोग का मजबूत रहे, संगठन में एकता रहे, संगठन ही शक्ति है, यही सब मेरे को आप सब लोग को बताना था। और फिर काफ़ी समय भी हो गया है, वैसे बैठे रहेंगे तो भाई जाने का मन भी नहीं कर रहा है लेकिन जाना भी जरूरी है। नहीं आप सब लोग अभी खेती बाड़ी का भी सब समय है, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं और दिन भर आप लोग भी भाई काम में बिजी रहते हैं, थकावट भी रहता है, सारी चीज़ है, खाना पीना भी खाना है, नहीं तो ये सब है। और बीच में हम लोग फिर आएंगे सभी भारत जी वगैरह और हमारे विजय बाबा, देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ
जो वास्तव में हम लोग काम किए। विजय बाबा जी विधायक थे, मैं विधायक था, आप लोग स्वयं इसको हम लोग अगर कहें या ना कहें स्वयं देखते हैं, ये देखने वाली बात है, सामने ला के खड़ा करते हैं जब ये विधायक थे कि यहाँ का विकास हुआ, चाहे इस क्षेत्र का विकास हो। उसके बाद आप लोग बता दीजिए कि एक इंच आगे बढ़ा होगा, कोई रोड डामरीकरण चाहे सीसी हो, किसी प्रकार का कोई अच्छा काम हुआ होगा। 5 साल बीत गया, फिर 5